दोस्तों आ गया आज एक नया रेसिपी लेके। पुराना रेसिपी है, ब्रिटिश टाइम से है, पर उसका अभी भी क्रेज है रेस्टोरेंट में, फाइव स्टार होटल में, हर जगह पे वेज जलफ्रेजी। ये जो पर्टिकुलर रेसिपी होता है ना, इसमें तो काफी अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों को दिमाग में टेंशन आ जाता है, क्या वेज डाले, क्या मसाला डाले। तो ये जो पर्टिकुलर डिश है, मसाला बहुत ही कम जाता है, पर कुछ स्पेशल मसाला जाता है। तो आइए पहले मसाला दिखाते हैं, फिर कुछ ब्लांचिंग होता है। तो आज मेरा जो वेजिटेबल चॉइस है वो है रेड और येलो कैप्सिकम, बेबी कॉर्न और मशरूम और कैरट्स। इसमें से हम ब्लांच करेंगे बेबी कॉर्न और कैरट और मशरूम को। तो चलिए, एक जगह पे हमने डाल दिया पानी बॉईल होने के लिए, और अभी एक एक करके डाल देते हैं इसमें मशरूम, बेबी कॉर्न और कैरट्स। और ये जो गैस है यहाँ पे, इसको करेंगे ऑन। यहाँ पे वो मसाला जो बोल रहा था मैंने, स्पेशल मसाला, वो भाजा मसाला बना लेते हैं यहाँ पे। तो पहले हम डाल देते हैं बेबी कॉर्न और कैरट्स को। पानी बॉयल हो रहा है, ये पानी को फेंकिएगा मत, क्योंकि इसमें नमक डाला हुआ है। हम इसमें मिलाने वाले हैं पनीर, पनीर में यही वेजिटेबल स्टॉक जाएगा पनीर के अंदर। और हम इसमें डाल देते हैं मशरूम। बस 3 से 4 मिनट हम रखेंगे, ब्लांच करेंगे और उठा लेंगे। और ये कढ़ाई भी गर्म हो गया है, तो इसमें एक एक करके मिला देते हैं अपना जो ड्राई स्पाइस है। तो ड्राई स्पाइस में हम ले लेते हैं धनिया, कढ़ाई काफ़ी गर्म है, जीरा 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच धनिया, सौंफ बस 1/2 चम्मच काफ़ी है, कसूरी मेथी थोड़ा सा बस 1 पिंच, ड्राई रेड चिली और कुछ ब्लैक पेपर। कुछ फैंसी नहीं है इसमें, बस इसको हम करेंगे रोस्ट। बस दोस्तों, इसमें से काफ़ी अच्छा खुशबू आ रहा है, तो हम इसको शिफ्ट कर देंगे। हम उठा लेते हैं इसको एक कांच के बोल में, थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। तो इन द मीन टाइम इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा विनेगर, बस इसको एक उबाल आने के लिए वेट करते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल फॉलो कर रहे हो तो पक्का ये रेसिपी फॉलो करो। रेस्टोरेंट में ब्लांचिंग प्रोसेस से ही जाते हैं। रॉ वेजिटेबल थोड़ा पकने में टाइम भी लगता है और पानी ज़्यादा छोड़ता है, तो ऑलरेडी ये ब्लांच्ड है तो इसमें पानी का बैलेंस हो जाएगा। दोस्तों अभी देख सकते हो ब्लांचिंग प्रोसेस कंप्लीट है। अभी हम जो ब्लांचिंग का वाटर था उसको उठा के हम डालेंगे पनीर में, तो पनीर का सॉफ्टनेस 3 गुना बढ़ जाएगा। ये काफ़ी गर्म है, हाथ मत लगाओ ऐसे। अब ये वेजिटेबल स्टॉक को ऐसे भी पी सकते हो, तो ये विटामिन से भरा हुआ है। दोस्तों अभी अपना जो ड्राई मसाला है उसको मिक्सर में डालने का टाइम आ गया है, ये ठंडा भी हो गया है। तो चलिए पहले ड्राई मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद फटाफट से रेसिपी को ख़त्म करते हैं। दोस्तों ये हो गया अपना फाइन ग्राइंडेड भाजा मसाला, तो चलिए हम आगे प्रोसेस में जाते हैं। दोस्तों अपना पैन सफिशियंटली हॉट हो गया है, तो हम डाल देते हैं इसमें सरसों का ऑयल। स्पाइसी डिश है झाल फ्रेजी, मतलब झाल मतलब तीखा, बंगाल में झाझ और झाल ये दोनों चीज रहता है। तो झाझ अगर चाहिए तो सरसों का ऑयल, और तीखा अगर चाहिए तो लाल मिर्च, जो बंगाल का लाल मिर्च होता है ना, वो काफी हद तक तीखा होता है। तेल सफिशियंटली हॉट हो गया है, तो हम इसमें डाल देंगे कुछ तेज पत्ता, बस 4 तेज पत्ता, बस थोड़ा सा जीरा, आंच को करेंगे कम, नहीं तो मसाला जलता रहेगा। और हम यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च का पाउडर, या तो देगी मिर्च का पाउडर, मैंने बस 2 चम्मच ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। हल्दी आप डाल सकते हो, ऑप्शनल है। अगर आपको ज्यादा रेड चाहिए तो हल्दी मत डालिए, अगर आपको येलोइश कलर चाहिए तो हल्दी डाल सकते हो, पर ये सरसों का ऑयल काफी हल्दी इसमें लेके आता है। हम डाल देंगे इसमें प्याज, बारीक कटी हुई प्याज,
हम डालेंगे इसमें चॉप किया हुआ टमाटर, हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नमक डालिए तो टमाटर गल जाएगा जल्दी से। हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हींग, मशरूम है तो कुछ बटर तो उसमें जाना चाहिए, नहीं तो मशरूम का जो स्मेल है वो खुलता नहीं। हम बाद में डालेंगे बटर, बारीक कटी हुई लहसुन, ये प्याज और लहसुन बस मशरूम को सपोर्ट देने के लिए। पनीर या बाकी जो सब्जी है ना उसमें अगर आप पूरा का पूरा शुद्ध वेज बना रहे हो विदाउट ऑनियन गार्लिक आप कर सकते हो, पर मैंने मशरूम लिया है तो प्याज और लहसुन मस्ट, नहीं तो एक मिट्टी का स्मेल आएगा जो अच्छा नहीं लगेगा। हम इसमें डाल देंगे बटर, तो लहसुन के साथ मिलके बटर का एक लाजवाब स्मेल आएगा। मैंने यहाँ पे 4 बटर क्यूब डाल रहा हूँ। दोस्तों हम डालेंगे इसमें, मेरे पास था थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन है, स्प्रिंग ऑनियन का कुछ स्टेम्स था व्हाइट वाला, हम डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं है स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैटर करता है, आप अगर पनीर को लंबा काट रहे हो तो सब्जियों को लंबा लंबा काटिए, अगर ब्लॉक में काट रहे हो तो सब्जियों को ब्लॉक में काटिए। अभी डाल देंगे अपना जो हार्ड वाला वेजिटेबल्स था ना, बेबी कॉर्न, गाजर और मशरूम, तो ये वेजिटेबल बर्स्ट होता है, थोड़ा सा स्टीयर कर लेते हैं। तो ब्लॉक में कटा हुआ प्याज, ये टेक्सचर के लिए है, जो चिली चिकन वगैरह में डाला जाता है टेक्सचर के लिए, तो वो प्याज। काफ़ी सिंपल रेसिपी है दोस्तों। हम डाल देते हैं इसमें स्वीट कॉर्न, हम डाल देते हैं इसमें बंगाल साइड में जो मिलता है थोड़ा लॉन्ग बीन्स, बच्चा खाने वाला है तो अभी तक मिर्ची वाला कुछ चीज़ डाला ही नहीं। हम डाल देते हैं इसमें रेड और येलो कैप्सिकम, ग्रीन टेक्सचर, ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन पीज। हो गया कहानी खत्म, बाकी लास्ट में बस पनीर को ही डालना है। आंच को कर दीजिए तेज। दोस्तों एक सीक्रेट टिप्स है, कभी भी अगर वेजिटेबल्स बनानी है तो उसमें थोड़ा सा शक्कर डाला कीजिए। हम डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा शक्कर, उसमें सब्जी का टेस्ट काफी लेवल तक एनहांस हो जाता है। हमने अभी तक नमक बस टमाटर को गलाने के लिए डाला है दोस्तों, थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए। हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं और आंच को करेंगे लो। दोस्तों अभी हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, तो नमक डालने के बाद थोड़ा सा इसको स्टीयर करेंगे, टॉस करेंगे लाइटली। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और सब्जियों को थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए ढक देते हैं। उसका कड़कपन नहीं जाएगा पर थोड़ा सा सॉफ्ट बन जाएगा। हम डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, अगर सॉल्ट आपके पास नहीं है तो नॉर्मल अदरक भी आप यूज कर सकते हो। बस हाफ चम्मच सॉल्ट, सौंफ और सॉल्ट, ये दोनों का अच्छा रिश्ता बनता है। दोस्तों अभी पनीर डाल के बच्चे के लिए थोड़ा सा उठा लेते हैं, पनीर काफ़ी सॉफ्ट बन चुका है, तो हिलाने के बाद, हिलाने के टाइम थोड़ा ध्यान से, नहीं तो पनीर टूट सकता है। ये डिश आप राइस, रोटी, पराठा, कुछ भी चीज़ों से आप खा सकते हो। तो मुझे थोड़ा ग्रेवी चाहिए, आइडियली ग्रेवी इसमें ज़्यादा जाता नहीं, पर मुझे थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए। इसके लिए ये वेजिटेबल स्टॉक जो था ना, ये थोड़ा सा मैं डालने वाला हूँ, पर वो बाद में। अभी पूरा कढ़ाई भर चुका है, मेरे लिए तो अभी टॉस करना मुश्किल है, शायद बड़े बड़े शेफ लोगों के लिए ये काफ़ी कम ही चीज़ है जो आराम से टॉस कर देंगे। मैं एक होम कुक हूँ तो मुझे उतना भी प्रोफेशनलिज्म आता नहीं। थोड़ा बहुत चला लेता हूँ, काम चला लेता हूँ कुकिंग से, पर बड़ा कुछ शेप नहीं हूँ मैं। दोस्तों अभी हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा दही, और दही डालने के टाइम हमेशा आंच को कम, नहीं तो दही का गुटलिया बनेगी। ये दही में ही हम मिलाएंगे थोड़ा सा स्टॉक, दही पूरा का पूरा गाढ़ा है। चलिए ढक देते हैं, और ढक के थोड़ा सा मीडियम आंच में
इसको रख देते हैं 3 to 4 minutes. दोस्तों बेटे के लिए उठाना है तो बच्चा है उसके लिए थोड़ा सा घी डाल दूंगा तो पनीर के साथ घी का फ्लेवर जाएगा और वो आराम से खाएगा. अभी देखिए कितना पानी इसमें ऑलरेडी बन चुका है. थोड़ा सा पानी सुखा लेंगे कि हम वो जो स्टॉक है वेजिटेबल स्टॉक है वो स्टॉक को डाल पाए. अगर आपको ये डिश कम्प्लीटली नो ऑनियन गार्लिक बनाना है तो आप एक काम करो, ऑनियन का रिप्लेसमेंट कैबेज से करो और लहसुन का रिप्लेसमेंट हींग से करो तो ऑटोमेटिक ये डिश बन जाएगा टोटली ऑनियन गार्लिक फ्री डिश. स्लिट किया हुआ मिर्ची, ये डिश अपने आप में ही इतना हरा भरा है. इसको प्रेजेंट करने के लिए कोई भी खास कुछ चीज़ नहीं चाहिए. आपके पास अगर फ्रेश क्रीम है तो लास्ट में फ्रेश क्रीम डाल दो, इसका अलग ही मीनिंग बन जाएगा डिश का. अभी हम डाल देते हैं इसमें अपना जो भाजा मसाला था, वो भाजा मसाला, वो भी ज़्यादा नहीं क्योंकि ये डिश में मसाला का खास कुछ रोल नहीं होता है, तो बस हाफ चम्मच ही मैंने डाला बस लास्ट में इसको एक अलग सा स्मेल देने के लिए. टॉस, ये डिश मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स में बन जाता है. हम अभी डाल देते हैं वेजिटेबल स्टॉक को, बस कहानी खत्म. लगा देते हैं ढक्कन, हम आंच को करेंगे कम और डालेंगे इसमें फ्रेश क्रीम, अनोखा शाइन दे देता है. चलिए ढक्कन लगा देते हैं, थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं, फिर जाते हैं डायरेक्ट प्रेजेंटेशन में. दोस्तों ये है अपना फाइनल प्लेटिंग, देखिए रंग रूप हर जगह से, इसको देखिए हर कोने से देखिए. बनाइए, खाइए, एडवाइस है मेरा, बच्चा वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, ये जो फंडा है ना ये तो नहीं रहेगा इसमें. वेजिटेबल्स विद पनीर मशरूम, मशरूम कोई भी बच्चा आराम से खाएगा, प्याज और लहसुन का स्मेल रहेगा, आराम से खाएगा. बना के देखो, बड़ो बूढ़ो बच्चे सबको खिला के देखो क्या फीडबैक आता है. बच्चे के लिए बस तीखा मत बनाओ, बाकी जो है उतना तो बच्चे के लिए जाता ही है. बस हो गया ना आराम से. प्रेजेंटेशन में हम डाल देते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा फ्रेश क्रीम. चलिए देखिए बच्चे खाते हैं या नहीं खाते हैं. अगर बच्चों को सही तरीके से खिलाना है तो बस ऐसे ही प्रेजेंटेशन रखिए. तो चलिए आज के रात के लिए इतना ही और हम मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नया रेसिपी लेके, कुछ ज़बरदस्त रेसिपी लेके मैं नेक्स्ट वीक मिलने वाला हूँ. फोरकास्ट करूँगा, ब्रॉडकास्ट करूँगा, प्लीज़ कम्युनिटी को चेक कीजिए. देखिए मैं कुछ ना कुछ तो डालूँगा कि नेक्स्ट वीक ये बनाने वाला हूँ मैं, और आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए वेट करूंगा. चलिए अच्छे रहिए, खुश रहिए, खाना बनाते रहिए, खाना पकाते रहिए और खाते रहिए, पड़ोसते रहिए. चलिए गुड नाइट.